गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, कैसे हाल चाल है? उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। सुबह सुबह है एंड इस रूम में बहुत अच्छी धूप आती है सुबह। अभी मैंने ब्लाइंड्स को बंद किया है ताकि मेरा चेहरा फ्लैश आउट ना हो जाए। रिसेंटली सेफोरा पे सेल थी एंड मैंने कुछ आइटम्स खरीदी थी वहाँ से, एंड इंस्टाग्राम पे मुझे कई मैसेजेस आए कि मैं ज़रूर से शेयर करूँ आपके साथ कि मैंने क्या खरीदा है। सो बेसिकली मैं कोई भी नई चीज़ ट्राई नहीं करने वाली हूँ। चार पांच चीज़ें हैं जो मैं ऑलरेडी यूज़ करती हूँ, वही मैं थोड़ा सा स्टॉक अप करना चाहती थी, दैट्स इट। सो जल्दी से शेयर करती हूँ आपके साथ कि मैंने क्या क्या खरीदा है। सो पहली चीज़ है ये सनस्क्रीन। ये ना बड़ा सा पैक ले लेती हूँ मैं, काफ़ी बड़ी है ये बॉटल, क्योंकि ये सनस्क्रीन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड सनस्क्रीन आपकी स्किन केयर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। जेडी भी स्किन केयर यूज़ करते हैं, अगर आप सनस्क्रीन नहीं लगा रहे हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए तो कोई फ़ायदा नहीं है। सो सनस्क्रीन ज़रूर से लगाएं, दिन रात सवेरे शामी, रात को नहीं लगाने की ज़रूरत है। मतलब ग्लूमी हो, रेनी हो, कुछ भी हो, ज़रूर से लगाएं। सो ये मैंने स्टॉक अप के लिए, मेरे पास ऑलरेडी है पर ये फ्यूचर के लिए मुझे 30% ऑफ में मिला। सो मैंने सोचा कि मुझे ज़रूर से लेना चाहिए। एंड अगला मैंने ना कुछ क्या बोलते हैं इसको, इंकलिस्ट के स्किन केयर प्रोडक्ट्स दोबारा से खरीदे हैं। ये मैं ऑलरेडी यूज़ करती हूँ। ये है ट्रान एग्जामिक एसिड फॉर हाइपर पिगमेंटेशन। क्या ये काम कर रहा है? आई डोंट नो, आदत पड़ गई है मुझे यूज़ करने की, फ्यूचर में शायद मैं इसको बंद कर दूंगी। मुझे लग नहीं रहा कि इसने बहुत अच्छा काम किया है। एक साल हो गया मुझे इसे यूज़ करते हुए। सो एक ही बॉटल ली है मैंने। भी अगला है ये टोनर जो कि मैंने रिसेंटली यूज़ करना शुरू किया है, 3-4 महीने हुए होंगे। ये है पॉलर्स चॉइस 2% BHA लिक्विड एक्सफोलियंट सिलिसिलिक एसिड के साथ। इस पे लिखा है कि ये अनक्लॉग करता है पोर्स को, श्रिंक करता है बड़े पोर्स को, स्मूथ करता है और आपकी स्किन को इवन करता है, एंड लाइट वेट है और क्विकली अब्जॉर्ब हो जाता है। कई शब्द ना मुंह से फंस जाते हैं, आप बोल नहीं पाते हैं। मेरे साथ ऐसा बहुत हो रहा है रिसेंटली। सो ये मैंने एक बॉटल फिनिश कर ली है एंड ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। जो मेरे चेहरे पे मुझे हमेशा लगता है कि वाइट हेड ब्लैक हेड रहते हैं, उसमें इससे फ़र्क पड़ा है। सो आई रियली लाइक इट। और इससे पहले मैं यूज़ कर रही थी 2-3 डिफरेंट काइंड के टोनर्स, अभी उनको स्किप करके मैं ये यूज़ करने वाली हूँ। मुझे लग रहा है मैं इनकी लिस्ट का PHA बैलेंस वाला टोनर यूज़ कर रही थी, तो ये अच्छा लगा मुझे तो मैंने ले लिया है। यूजली इस टाइम पे मैं परफ्यूम खरीदना मुझे अच्छा लगता है क्योंकि बहुत महंगे आते हैं और आपको 30% ऑफ में मिल जाएंगे तो अच्छा है। पर मैंने लिया है मैक का ये स्टूडियो फिक्स फाउंडेशन NC35 लिया है इस बार, पर ये भी मेरे चेहरे पे डार्क लग रहा है और मेरे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। सो या अभी इसको यूज कर लेंगे जैसे कैसे भी। एक सेफोरा का लिक्विड लिप शेड लिया है मैंने, एक ही, और इसका नंबर है 23। बहुत ही प्यारा सा शेड है, लाइक ब्राउन स्किन पे बहुत अच्छा लगता है विंटर्स एंड फॉल्स के लिए। आई होप आप देख पा रहे होंगे, बहुत ही प्यारा सा मॉव एंड नूड एंड फॉल एप्रोप्रिएट कलर है। लगाई ला, लगा के बता देती हूँ आपको मैं कैसे लग रहा है ये। इसकी ना क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, बहुत लॉन्ग लास्टिंग है एंड ग्लाइड ऑन हो जाता है आपके लिप्स पे। सो ये ब्राउन स्किन के लिए परफेक्ट शेड है विंटर्स एंड फॉल्स के लिए। अगला मैंने लिया है ये सेफोरा का पाउडर फाउंडेशन, शेड है 26 नेचुरल सैंड। ये एक्चुअली मेरे पास थोड़ा सा है पर पैन हिट हो चुका है तो मुझे लगा कि एक लेकर रख लेते हैं। और ये एक्चुअली 50% ऑफ पे था for some reasons, I don't know why. स्पेशली ये शेड। और एक मैंने कंसीलर लिया है ये टू फेस का बॉर्न दिस वे, एंड इस कंसीलर का शेड है लाइट बेज। ये जब मैं ब्लेंड कर लेती हूँ मेरी स्किन के जैसा ही लगना शुरू हो जाता है। सो बेसिकली इसको मैंने लिया था हाईलाइट करने के लिए मेरे चेहरे को, पर हाईलाइट नहीं हुआ है, ये मेरे चेहरे जैसा ही लगता है। पर अर्लियर जो मैंने फाउंडेशन एंड कंसीलर का शेड है उससे मैं हैप्पी नहीं थी क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा येलो टोन था। तो या सो फार आई एम हैप्पी विद दिस। आई थिंक एक कद्दा और मैंने स्किन का प्रोडक्ट लिया है, मुझे मिल नहीं रहा है, पर या दैट्स इट। पिद्दी हॉल है, बहुत ही लिमिटेड सामान लिया है मैंने कि जो मैं यूज करना चाहती हूँ। लुक एट दिस ब्यूटीफुल लिप शेड, आपको अच्छा लगा? बहुत कम ऐसे लिप शेड्स हैं जो मुझे मेरे लिप पे अच्छे लगते हैं। सो ये वन ऑफ दोज है जो लगाते हैं, मुझे लगा कि यार लिया, ये मेरी स्किन पे नॉट बैड लग रहा है। सो या आप भी ट्राई कर सकते हैं, अगर आपको भी अपना पसंदीदा शेड आसानी से नहीं मिलता है, ये बहुत प्यारा लगेगा आपके लिप्स पे भी। सो ब्रेकफास्ट करते हैं। यूजली मैं ब्रेकफास्ट नहीं करती हूँ पर आज मैंने भूख लगी है, जल्दी से कुछ खाते हैं। सो ब्रेकफास्ट के लिए मैं बनाऊंगी एग्स एंड ऑल्सो एवोकैडो ऑन द साइड एंड वेजिटेबल वाला सैंडविच। जो कल की इटालियन सैंडविच से बची हुई ब्रेड है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, उसमें एक सावर फ्लेवर है। mm.
मौसम चेंज हो रहा है, थोड़ी चिली विंड्स चल रही हैं, पर नॉर्मल के मुकाबले इस साल काफ़ी अच्छा नवंबर गया हमारा. दिसंबर ऑलरेडी शुरू हो चुका है एंड अभी स्नो नहीं दिखी है एंड ठंड भी बुरी नहीं है, पॉजिटिव में ही टेम्परेचर चल रहा है एंड आने वाले 10 दिन बहुत अच्छे हैं टेम्परेचर को अगर कंपेयर करें तो पुराने सालों के साथ. पर ये जो मौसम का चेंज होना है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस है अगर आप इसको फील करें कॉन्शियसली, क्योंकि ये आपको बताता है कि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, हर चीज़ बदलती है. और ये जो बदलाव है वो आपको बताता है आपको अपनी ज़िंदगी में ग्रेटफुल रहना चाहिए. जैसी सिचुएशन आपकी आज है, अब है, वो लास्ट नहीं करेगी हमेशा, वो चेंज हो जाएगी. जैसे आपकी हेल्थ है, जैसे आप यंग हैं, चीज़ें बदलती जाएंगी मौसम की तरह. कोशिश करेंगे खाने की पूरा. अंडा मैंने लगा एक तो कट होना है क्योंकि मैंने बड़ा एग हस्बैंड को दे दिया ऑमलेट बना के, क्योंकि एग की इतनी बड़ी फैन नहीं हूँ मैं. सो टाइम टू डू सम क्रिसमस इंट्रो एडिटिंग. एडिटिंग मोड में जाने वाली हूँ मैं थोड़ी देर के लिए, एक डेढ़ घंटा स्पेंड करते हैं, उसके बाद हेमा स्कूल से आ जाएगा. मुझे एडिट करनी है इंट्रो वर्जन एंड व्लॉग भी एडिट करना शुरू करूँगी. ऑल्सो मैंने एक बहुत ही क्यूट सी IG रील बनाई है, उसको भी एडिट करेंगे. अगर आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो ज़रूर से करें, अदरवाइज आप मेरा प्यारा प्यारा क्यूट सा कंटेंट मिस कर देंगे. मेरे सारे ही लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं सोशल मीडिया के. टिकटॉक पे भी फॉलो कर सकते हैं अगर आपके पास टिकटॉक है. थोड़ी कर ली है मैंने, अब हम बनाएंगे सब्ज़ी. आज मैं लौकी के कोफ्ते बनाऊंगी. बहुत ही सिंपल किस्म का मील होने वाला है ये. लौकी को छील के क्रश कर लेती हूँ मैं फूड प्रोसेसर में, क्योंकि कद्दूकस नहीं होता है मेरे हैंड से. एक तो लौकी ठंडी होती है एंड मैं एक ही मोशन में मेरे हाथ नहीं चलते, थक जाते हैं. सो इससे भी अच्छा ही हो जाता है सारा कुछ. उसके बाद इसमें सारे हर्ब्स मसाले चीज़ें ऐड करके हम प्यारे प्यारे से बॉल्स बना के फ्राई कर लेंगे, डीप फ्राई. नॉर्मल डेज़ में मैं इसमें आलू भी ऐड कर लेती हूँ, पर आज मैं थोड़ा लेज़ी थी तो मैंने आलू ऐड नहीं किए हैं. पर जो इसकी मैं करी बनाती हूँ, मेरी कोशिश होती है कि वो बहुत ज़्यादा रिच हो गार्लिक एंड जिंजर की फ़्लेवर में, तो अलग से मज़ेदार फ्लेवर आता है एक करी का. पिछले कुछ समय से जब मैं घर में खाना बनाती हूँ, एक अलग सा एक्सपीरियंस मुझे फ़ील होता है. बहुत ज़्यादा कंफर्टिंग है एंड बहुत अच्छा फील होता है कि जब मैं पूरा एक मील तैयार करके सर्व करती हूँ मेरे सन को एंड मेरे हस्बैंड को. पहले मैंने ऐसा एक्सपीरियंस फील नहीं किया है. पहले ऐसा होता है कि कुछ खाना है जल्दी से कुक करो एंड खा लो, पर अब ये जो कुकिंग का प्रोसेस है बहुत मज़ेदार लगता है मुझे. स्लोली चीज़ों को करना, फुल प्रोसेस को मैं बहुत इन्जॉय करती हूँ. एंड ऑफ द डे जब मील बनता है एंड मैं सर्व करती हूँ, आई रियली लाइक इट. ऑल्दो मुझे कुकिंग पसंद नहीं है, अगर मुझे ऑप्शन मिले कि तुम मत करो कुक, हम तुम्हारे लिए करेंगे, तो मैं कभी भी कुक नहीं करूँ. आई कैन स्टे अवे फ्रॉम दिस फूड थिंगी, मुझे मज़ा नहीं आता है कुक करने में. पर यह है कि मैंने पिछले कुछ समय से चीज़ों का जो प्रोसेस है उसको इन्जॉय करना शुरू कर दिया है. फिनिश रिजल्ट पे जाना हम सबको अच्छा लगता है, पर एक्चुअल जो मज़ा है वो प्रोसेस में है. फन उस चीज़ का है जब आप मंजिल पे पहुंच जाते हैं अपने फाइनल रिजल्ट पे. वो कुछ सेकंड्स कुछ मिनट्स का लास्टिंग होता है, पर जो प्रोसेस है वो काफी लंबा है. अगर आप उसको इंजॉय करना शुरू कर देंगे ना तो अच्छा लगेगा. आप आज मटन के कबाब बने हैं. मटन के कबाब चंगे. मटर मटन ओ किथे मटन आ मटन दे कबाब आ कद्दू दे कबाब बना के बैठी हम मटन मटन बढ़िया है जो भी है बढ़िया है.
को बहुत सारे दोस्त हैं, वो कहते हैं कि जब वो मुझे खाना बनाते देखते हैं उनका भी मन करता है कि वो घर की चीज़ें करें, घर के काम करें। ये हमारा घर है और हम इसको जितना बेस्ट बना सकते हैं हमारे लिविंग एक्सपीरियंस को आपको बनाना चाहिए। घर की क्लीनिंग, घर को मैनेज करना, घर को डेकोरेट करना, खाना प्यार से बनाना, ये सारी चीज़ें उसी में आती हैं। अब क्लीनिंग का समय आएगा, खूब सारा समय लगा के मैं क्लीन करूँगी, क्योंकि जब आप क्लीन करके जाते हैं ना तो फिर अगले दिन आपकी किचन रेडी होती है अगले दिन का काम करने के लिए। सो किचन को क्लोज करने का समय आ गया, आपको कल मिलती हूँ। अपना ख्याल रखें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और मुझे मेरे सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। आई लव यू गाइस सो वेरी मच। बाय बाय।